Rita? बख्तु, वो मुर्तसिम कहाँ है? वो माँ बेगम वो प्रॉपर्टी के काम के सिलसिले में गए हैं, मैं कॉल मिलाता हूँ। अभी रुको, ठहर जाओ। क्यों माँ? मुर्तसिम भाई को आना चाहिए, मीरब को जरूरत है उनकी, उन्हें यहीं होना चाहिए। नहीं वो पहले डॉक्टर तो बता दे कि हुआ क्या है, फिर बुलाते हैं मुर्तसिम को भी। जी जी डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बहू और उसका बच्चा? अभी हम उन्हें एग्जामिन कर रहे हैं। वैसे ये हादसा कैसे हुआ उनके साथ, किसने किया ये सब कुछ? कैसी बातें कर रही हैं आप, मीरब खुद गिर गई थी, कौन करेगा ऐसा? गिर गई थी या गिरा दिया किसी ने? देखें ये पुलिस केस बन सकता है, और इस तरह के हादसे तो अक्सर घरों में पेश आते हैं और लड़कियां अपनी जान से चली जाती हैं। अरे हम इज्जतदार लोग हैं, हम क्यों ऐसा करने लगे? खासतौर पर जब बहू माँ बनने वाली हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं, ये पुलिस के सवाल आते हैं, ठीक है? जब पुलिस आएगी तो आप लोग हैंडल कर लीजिएगा, फिलहाल हम उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मैं कॉल मिलाता हूँ। मिलाओ मुर्तसिम को, देखो वो कहाँ है। ऐसा क्यों करने लगे हम, मेरे को कौन गिराएगा, मैं धक्का दूंगी क्या ऐसा? माँ बेगम वो मेरे पीछे भाग रही थी, मजाक में गिर गई है। एक मिनट मरियम, तुम रुको, मैं अभी घर से होके आती हूँ। माँ हया, हया ने नहीं किया होगा ये। मरियम तुम दो दुआएं मांगो, एक तो ये कि हया ने ऐसा ना किया हो, और दूसरी ये कि मीरब उसका बच्चा सलामत रहे। लेकिन एक तीसरी दुआ भी मांगना कि अगर हया ने ऐसा किया है तो उसकी खुदा जान बख्श दे, क्योंकि मैं उसे एक ऐसी सजा देने वाली हूं जो कभी नहीं भूलेगी। मख्तू गाड़ी निकालो। जी माँ बेगम। माँ बेगम मैं मीरब के पाँव पे मालिश कर रही थी, फिर हमारी ऐसी मजाक में शर्ट लग गई, मैंने उसका फोन उठा लिया मजाक में, फिर वो मेरे पीछे भागी अपना फोन लेने के लिए। मैं सीढ़ियों तक पहुंची, सीढ़ियों पे चढ़ी तो वो अपना फोन लेने के लिए मेरे पीछे सीढ़ियों पे आ रही थी। मैंने उसे मना भी किया कि नहीं आओ सीढ़ियों पर, गिर जाओगी, लेकिन वो मानी नहीं माँ बेगम, नहीं मानी और गिर गई। अच्छा घर ली कहानी तुमने? इधर आओ मेरे साथ। चल। झूठी जमाने भर की, बताओ मुझे क्या सच है, ये क्यों किया तुमने? माँ बेगम मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो अब एक लफ्ज भी झूठ बोला ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं एक लफ्ज झूठ नहीं सुनूंगी अब। माँ बेगम मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। हया मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी, मुझे एक बार सच बताओ ये तुमने किया क्यों? माँ बेगम मैं मीरब के पैरों की मालिश कर रही थी। अच्छा जी, फिर हमारा बातों बातों में मजाक शुरू हो गया। तुम्हारा तो मीरब से कोई मजाक नहीं है। माँ बेगम उसने मुझसे शर्त लगाई। और तुमने उसकी शर्त मान ली? जी माँ बेगम, मुझे चैलेंज जो कर रही थी, बोल रही थी कि मुझे इस हालत में भी कुछ फील नहीं होता, तुम मेरे साथ जो मर्जी करके देख लो, मुझे आजमा लो। अच्छा तो तुमने उसका चैलेंज कबूल कर लिया, इतनी भोली हो ना तुम। जी माँ बेगम, फिर मैंने उसका फोन उठाया, मैंने कहा ठीक है फिर मुझसे ये फोन लेकर दिखाओ, वो मेरे पीछे भागी और भागते भागते माँ बेगम हम यहाँ सीढ़ियों तक आ गए, मैं सीढ़ियों के ऊपर चली गई, वो फोन लेने सीढ़ियों के ऊपर आ रही थी, मैंने उसे मना भी किया कि तुम्हारे पैरों पे तेल लगा है मत आओ ऊपर, मैं तुम्हें फोन देने नीचे आती हूँ, लेकिन वो रुकी ही नहीं। और भैया बकवास बंद कर दो, अब बहुत हो गई, आ जा जल्दी आओ इधर, फौरन आओ। बताओ
पहले तुमने तेल सीढ़ियों में गिराया और फिर इससे साफ करवाया, पैसे दिए इसको तुमने। कौन सा तेल? किसने इसको पैसे दिए तेल साफ करवाने के? निकालो, दिखाओ। झूठ बोल रही है। ये भी झूठ है क्या? जी माँ बेगम। आया? तुम कब सुधरोगी? तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी ढीठ बेगैरत। माँ बेगम, आप मुझे क्यों हमेशा गलत समझती हैं? क्यों हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाती हैं आप? इतनी मासूम नहीं हो तुम। फीना, जल्दी से आओ। भला इसमें क्या है बताओ? ये हया बीबी के तावीज हैं। अब भी तुम ये कहोगी कि तुम सच्ची? ये भी झूठ है क्या? झूठ है क्या ये? बोलो, बताओ कि ये सब भी झूठ है। इसे घर में रहती हो और इस घर में काले जादू और टूने करती हो? मुझे तो लगता है मेरे मुर्तसिम की गाड़ी को हादसा भी तुम्हारे काले जादू की वजह से आया है। सिर्फ इसलिए किसने मीरब से शादी की तुम्हारी जगह? माँ बेगम, मैं मुर्तसिम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नहीं माँ बेगम। एक और झूठ फरेब। अनोखी लड़की हो तुम, बस। अब मैंने कह दिया मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। बख्तो, तुम गांव जा रही हो, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं नहीं जाऊंगी माँ बेगम। इसे गांव छोड़कर आओ और आइंदा इसकी शक्ल नजर ना आए मुझे। मेरे पोते को नुकसान पहुंचाना चाहती थी तुम? नहीं है कोई पोता, कोई पोता नहीं है। मेरा बाप से झूठ बोल रही है। ये झूठ भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाएगा, वो झूठी है। एक और झूठ, एक और फरेब। तुम्हारी किसी बात का इतबार नहीं मुझे। बख्तू, मैं अस्पताल जा रही हूँ, वापस आऊ तो ये मुझे नजर ना आए। और इसे भी ले जाओ अपनी चमची को। माँ बेगम, मैं नहीं जाना चाहती। माँ बेगम, मुझे नहीं जाना। माँ बेगम। भाई, मीरप्पा। भाई वो अंदर है। कहाँ सब लोग? वक्तू कहाँ है? माँ बेगम कहाँ है? क्या हो गया? भाई, माँ बेगम घर गई हुई है। भाई मीरब गिर गई थी सीढ़ियों से और बेहोश हो गई थी। आप रिलैक्स करें। एक्सक्यूज मी, ये मीरब बीबी के साथ आप हैं? मुर्तसिम खान साहब, हम आपको जानते हैं और आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं, लेकिन यहां मामला मैरिज एब्यूज का है। आपसे कुछ सवालात करने हैं तो प्लीज हमारे साथ आवन करें। चलिए मैं आता हूं। क्या हुआ था भाई? मुझे नहीं पता। जितना पता है उतना बताओ, क्या हुआ था भाई? वो मुझे मीरब के गिरने की आवाज आई, जब मैं वहां गई तो वो वहां हया भी थी। मैं वापस आऊंगी। मैं मुतसिम को नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक नहीं। वक्तू जी, बीबी जी, पहले फीना को इसके घर उतारिए।
ये बेली नहीं जाएगी, मैं इसको काम से निकाल रही। जो हुकुम बीबी जी। मीरा कैसी है? माँ आपने हया के साथ क्या किया? मेरे सामने उस मनुष्य का नाम मत लो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मीरा कैसी। माँ डॉक्टर अभी अंदर हैं। और मुर्तसिम? भाई बेचारे पुलिस को हैंडल कर रहे हैं। मेरे खुदा कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम जैसे खानदानों की बीबियां अब अपने घरों में भी महफूज नहीं, उन पर जुल्म हो रहा है, उन्हें धक्के दिए जा रहे हैं। ये सब हया ने किया? उसने इस लड़की के लिए मैंने क्या नहीं किया, तुम में और उसमें कभी कोई फर्क नहीं रखा। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, उसकी कोई जरूरत नहीं जो मैंने छोड़ी हो। क्या जेवर, क्या कपड़ा, क्या लाड प्यार, किस चीज की कमी थी उसे? लेकिन उसे तो जैसे हमारे घर की खुशियों से जलन होने लगी थी, और उस जलन की मारी ने इतना बड़ा नुकसान करने की कोशिश की। मुझे तो लगता है कि वो मीरब के साथ साथ मुर्तसिम पर भी जादू करेगी। क्या माँ, जादू? हाँ, अब उसने ये फैसला कर लिया है कि वो हमारे घराने को खुश नहीं देखेगी, जो बन पड़ेगा वो हमारे खिलाफ करेगी। और अब मैं मुर्तसिम को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं मीरब की और उसके बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकी। हया ने किया ये सब? हाँ, हया ने सीढ़ियों पर तेल गिराया ताकि मीरब गिर जाए और हमारे बच्चे का नुकसान हो जाए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मीरब को कुछ नहीं होगा। मीरब को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ मेरी जान, मीरब को कुछ नहीं होगा और इंशाल्लाह मेरे वारिस को भी कुछ नहीं होगा। माँ डॉक्टर आ गए। जी डॉक्टर साहब। नूर साहब कैसी है? नाउ शी इज ऑल राइट। उन्हें सिर्फ अंदरूनी चोट आई थी, हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, एक दो दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद आप लोग घर ले जा सकते हैं। वो डॉक्टर साहब, मीरब तो ठीक है और उसका बच्चा? नहीं तो, वो प्रेग्नेंट तो नहीं थी? नहीं नहीं, वो माशाल्लाह उम्मीद से है, तो मैं जानना चाह रही थी कि वो ठीक तो है। देखिए वो प्रेग्नेंट नहीं थी, हमने उनका हर तरह से टेस्ट करवाया था, ये देखिए प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। थैंक यू डॉक्टर। क्या मुर्तसिम? ये डॉक्टर क्या कह रही है? मुर्तसिम ये मुर्तसिम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम? मुर्तसिम मुझे, मीरब प्रेग्नेंट नहीं थी। क्या क्या मीरब उम्मीद से थी और मुर्तसिम? बैठे प्लीज, बैठे। मगर मीरब नहीं है कोई पोता, कोई पोता नहीं है। मीरब आपसे झूठ बोल रही है, ये झूठ भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाएगा, वो झूठी है। एक और झूठ, एक और फरेब, तुम्हारी किसी बात का इतबार नहीं। मुझे वक्त तो मैं अस्पताल जा रही हूँ, वापस आऊ तो ये मुझे नजर ना आए। नहीं मीरा, क्या हुआ बेटा, कैसे लगी चोट? मैं गांव गया तो हया ने बताया मुझे। हया ने और कुछ नहीं बताया तुम्हें? क्या बताया? चलो छोड़ो, रहने दो, क्या फायदा। भाभी बेगम, मीरा मेरी बेटी है, इसके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे खबर तक नहीं होने दी। हनफर में तो तुम्हें ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तुम हैरान हो जाओगे कि मुझे क्या बेटी दिया खुदा ने। क्या क्या मतलब? ये लो, खुद देख लो, पढ़ लो।
हया ने मीरब को सीढ़ियों से गिराया और इस साजिश के नतीजे में हमें एक और साजिश का पता चला, वो ये कि मीरब ने हमसे झूठ बोला कि वो मां बनने वाली है। हया को मैंने इसलिए गांव भेजा कि मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो सच बोल रही थी कि मीरब ने झूठ कहा है। इतनी शर्मिंदा अपने बेटे से माफिया मांग रही थी कि मैं उसके बच्चे और उसकी बीवी को नहीं बचा सकी। तो बाद में पता चला कि ये ड्रामा इन दोनों ने मिलकर खेला, इन दोनों ने हमें मिलकर बेवकूफ बनाया। क्यों मुर्तसिम खान, तुम बताओगे हमें कि ये खेल तुम दोनों ने क्यों खेला हमारे साथ? इतना बड़ा झूठ बोला तुमने। क्यों बोला इतना बड़ा झूठ? मीरब ने कोई झूठ नहीं बोला। मां ने गलत समझा जैसा। क्या कहा तुमने कि मां बेगम ने गलत समझ लिया? मां, मीरब की तबीयत खराब हुई और आपको लगा कि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये तो वही हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने इसे कहा था ये ढोंगरा चाने के लिए। क्या मीरब ने एक दफा भी आपको अपने मुंह से कहा? तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने इसे कहा ये ढोंगरा चाने के लिए? माँ, कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशों को अपनी खुशफहमी समझने लगता है। मुर्तसिम खान, तुम दूसरे लफ्जों में अपनी माँ को झूठा कह रहे हो। साहब, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि गलतफहमी हुई है आपको। अच्छा, तो मुझे गलतफहमी हुई थी ये तो बता सकती थी। ये क्यों नहीं बोली? क्यों मुंह में घुनिया डाले बैठी थी? जी, बस एक यही गलती है हमारी। मेरे बाप की खुशी नहीं छीनना चाहती थी। अब खुश थी मां, तो बस चुप रही। अच्छा बेटा, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्योंकि हम तो तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। तुम सच्चे, हम झूठे, तुम दोनों ठीक, हम सब गलत, बस यही है। अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने झूठ बोलकर। ऐसा क्या हो गया है? पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? हाँ बिल्कुल पागल। ऐसा कौन सा जोक है जिसे सुन के तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही? अरे ये तो सबसे बड़ा जोक है, साल का सबसे बड़ा मजाक। माँ बेगम बहुत दुखी हैं और घर में भी सब अफसरदा है। और मुर्तजिम का बताओ? भाई को सब पता था, मीरब का साथ दे रहे थे। चलो अच्छा है, मैंने 9 महीने की मुशक्कत से बचा लिया। अगर ये सही नहीं हुआ तो जो तुमने किया वो भी ठीक नहीं था। मीरब को तुमने धक्का देके गिरा दिया। लो, तुम्हें और माँ बेगम को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरी वजह से तो सच्चाई सामने आई है। सब बहुत खुश थे। देखो मरियम, जिंदगी भर के रोने से अच्छा है बंदा एक ही दफा रो ले। खैर, अब मैं भी वापस आती हूँ घर। तुम अपनी मर्जी से गई थी जो अपनी मर्जी से आओगी। जब तक माँ बेगम का हुक्म नहीं होता तुम शहर का मुंह नहीं देख सकती। माँ बेगम का हुक्म कब होगा? माँ से मैं बात। कैसा दिया मीरा बीबू?
गिल्टी हूँ। गिल्टी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शर्मिंदा अपनी मां के सामने, तुम बहू कर सकती हो, मैं बेटा हूं, मैं नहीं कर सकता। मैं अभी उनसे जाके माफी मांग लेती हूं। तुमसे खफा नहीं है वो, मुझसे खफा है। तो माफी भी वही मांगे जिसने दिल दुखाया है। माँ साहब जाग रही? जी खान। बताइए मैं। जी वो माँ बेगम ने मना किया। उनसे कहिए मैं आया हूँ, जाइए। माफी खान, लेकिन उन्होंने खास तौर पे आपके लिए मना किया। हाजरा, ये सब कपड़े उठा के किसी गरीबों में बांट दो या अपने घर ले जाओ या कहीं फेंक दो जाके। रहने दें, आप जाइए। माफ करते मां साहब, मीरब ने झूठ बोला और तुमने उसका साथ दिया। जी ये सच है, हमने झूठ बोला, ये सच है। लेकिन मीरब की नीयत आपको तकलीफ पहुंचाने की नहीं थी। उसने सिर्फ झूठ बोला, मगर तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। मां साहब, मेरी इतनी जरूरत, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैं चुप रहा। क्या घोल कर पिलाया तुम्हें मीरब ने? तुम्हारे बाप ने और मैंने तो तुम्हें कभी धोखा देना नहीं सिखाया, न झूठ बोलना सिखाया। जी मां साहब, बाबा साहब ने आपने हमेशा यही कहा कि सच का साथ दो, लेकिन आप लोगों ने यह भी तो सिखाया कि रिश्तों को जोड़े रखना है हमेशा। ऐसे कच्चे रिश्तों को जोड़ना जिनके साथ शर्तें लगी हो। मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, अगर मीरब तुम्हें शौहर का दर्जा नहीं देती तो छोड़ दो उसे। नहीं मां साहब, चाह के भी नहीं छोड़ सकता उसको। वो एक शर्त तो क्या, 100 शर्तें और भी लगा दे तब भी नहीं छोड़ सकता। इतनी मोहब्बत करते हो उससे? यकीन करें, जानबूझकर नहीं की, खुद ब खुद होती चली गई और मैं खुद को रोक नहीं पाया। जानती है क्या उसे कदर है तुम्हारी मोहब्बत की? हो जाएगी उसे कदर, उसे पता चलेगा जब उसे एहसास होगा।
माँ साहब, इस खानदान का मान अगर मेरे सर पे है तो वो सिर्फ आपकी बदौलत है, और जब आप मुझसे नाराज होती हैं तो बिखर जाता हूँ। प्लीज मुझसे नाराज मत। अगर तुम मीरब की मोहब्बत से इतने मजबूर हो तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर हूं। मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकती, चाहे तुम कुछ भी कर। जैसा नहीं हुआ आज के बाद। माँ, मीरब से जी माँ, आप हया को क्यों नहीं बुलवा लेती? हया ने मीरब को सीढ़ियों से गिराया था, उसको उसके किए की सजा मिल रही है, अभी रहने दो उसे गांव में। माँ, अपनी सजा काट चुकी है वो, काफी दिन भी हो गए, अब तो मीरब की चोट भी भरने वाली है, आप प्लीज उसे बुलवा लीजिए। तुम्हें इतनी याद आ रही है तो तुम जाके मिलाओ उसे। मैं गई तो हाया मेरे साथ ही आएगी। तो फिर रहने दो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। माँ, कब तक रहेगी वो वहां पे? जब तक उसके अंदर हसक का मादा है, जब तक वो अपनी इस्लाह ना कर ले वहीं रहेगी वो। आप उसे मौका तो देके देखे बुला के। हाँ तो मौका दे रही हूँ ना उसे गांव में रहकर अपनी इस्लाह करने का। माँ, क्या माँ माँ लगा रखी है तुमने, हर वक्त की रट। हया को बुला ले, माफ कर दे उसे, क्या हो गया तुम्हें? माँ, मेरी कोई बहन तो नहीं थी, आपने ही हया का हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा यही तुम्हारी बहन है, वो जैसी भी है मुझे आपको मुर्तसिम भाई को इस खानदान को अपना समझती है। हाँ, अपनी जगह बनाने के लिए अगर वो कुछ कर जाती है तो क्या हुआ, गलतियां हो जाती हैं सबसे। मीरब की गलती आप माफ कर सकती हैं तो हया के लिए गुंजाइश पैदा नहीं कर सकती। माँ, आपने पाला है उसे। ठीक कह रही हो, उसे मैंने पाला है। मीरब कोई गलती करे तो उसका इल्जाम मुझ पर नहीं आता, मेरी तरबियत पे नहीं आता, लेकिन हया कुछ भी गलत करेगी तो मेरी तरबियत पे हरफ आएगा, और ये बात मुझे बहुत दुखी करती है। जानती हूं, फोन कर करके उसने तुम्हारा दिमाग घुमा रखा है। उसे बता दो कि जब तक माँ बेगम इजाजत नहीं देंगी वो नहीं आ सकती इस घर में। हाँ हया, माँ बेगम का हुक्म होगा तो तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। मुझे बाबा फोन मत कर। कहाँ की तैयारी है? कराची। तो मैं भी रेस्ट करना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो रेस्ट की जरूरत नहीं है, ऐसे ठीक हूँ, जा सकती हूँ, आप ही बाहर ले जाइए। घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ।
हाँ घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ। मेरे साथ? अगर मुझे नहीं ले जा सकते तो बता दो, मैं खुद चली जाऊँ। नहीं नहीं मैं ले जाता हूँ, चलो। डर गए कि कहीं मैं अकेली चली गई तो क्या पता वापस ही ना आऊं। अगर ये डर भी है तो कितना प्यारा डर है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। चलो ये सफेद वाली आगे करो, देखो ख्याल से टूटने ना पाए। और इसका दूध दान कहाँ है? हाँ पीछे आगे रखो। समा चलते हैं, आ जाएंगे एक दो रोज में। जा रहे हो? चलो अच्छा है, ले जाओ इसे, बच्चा खोया इसने अपना। माहौल बदलेगा तो दिल भी बहल जाएगा। हमारा क्या है, हम तो इसी माहौल में अपना गम गलत कर लेंगे। माँ। क्या माँ? अरे भाई औलाद का गम लगाए इसे। अनिल और वकास को भी मैंने यही बताया है, मैंने नहीं बताया कि मीरब ने झूठ बोला है। तुम भी यही कहना कि सीढ़ियों से गिर गई थी इसीलिए इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब जाहिर है कि घर की बात बाहर तो नहीं उछाल सकते, चाहे बहू का मैका ही क्यों ना हो। खुदा हाफिज। खैर से जाओ, खैर से आओ। झूठी कही। खैरियत से जाओ। वापस मेरा बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने हम सब से नाराजगी खत्म कर ली, एक अच्छा कदम। आपको ये किसने कहा है? अब सब लोगों ने जो मिलके मेरे साथ किया है वो इतने आराम से माफ नहीं किया जा सकता। तो फिर वहां क्यों जा रही हो? वैसे ही ऐसे ही यहां क्या रोहेल से मिलने? चले अगर मैं रोहेल से मिलने भी जा रही हूं, क्या आप मुझे रोक सकते हैं? मेरा हम सब की नाराजगी में कहीं दूर नहीं निकल जाना बेटा, डर लगता है मुझे, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम पछतावे की नजर ना हो जाओ और रोहेल मौत की। आप रोहेल को मार देंगे क्या? मैं नहीं। ये बात अभी सिर्फ मुझे और वकास को पता है। अगर ये बात मुतसिम को पता चली ना कि तुम रोहेल से मिली थी या खुदा जाने अब मिलने जा रही हो, तो शायद वो तुम्हें
तुम्हें कुछ ना कहे लेकिन रोहिर को मार देगा। क्या मैं इसे धमकी समझूं? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं घर गुजरने वालों में से हूं, सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरी औलाद हो, मेरी बेटी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम पर ऐसा कोई इल्जाम लग जाए, तुम्हारे लिए अजाब बन जाए, इसलिए खबरदार कर रहा हूं जो भी करने लगो सोच समझ के करना, क्योंकि इसका पहला नुकसान तुम्हें ही पहुंचेगा और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी।